नमस्ते दोस्तों, क्या हाल है आपके। वेल्कम बैक टू माय चैनल लाइफलाइन विद सिल्वी। और आज मैं बनाऊंगी आपके लिए मलाई पनीर फिंगर्स। मलाई पनीर फिंगर्स के लिए आपको चाहिए होगा 100 ग्राम पनीर, बारीक कटा हुआ धनिया, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ अदरक, कटे हुए काजू 8 से 10, थोड़ी भीगी हुई 8 से 10 किशमिश पानी में भीगी हुई थोड़ी देर, आधी कटोरी दूध। मसालों में हमें चाहिए होगा, और मुझे चाहिए आधी हरी मिर्च भी बारीक बारीक कटी हुई, ये देखिए। हमें मसालों में चाहिए होगा आधे से पौना चम्मच नमक, आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। काली मिर्च 1/3 स्पून, थोड़ी सी हींग, अजवाइन और केसर ऑप्शनल है आपका। और तलने के लिए आपको चाहिए होगा तेल। तो और हमें चाहिए 10 ऐसे वाले साइज के, छोटे साइज के ब्रेड स्लाइसेस। तो आइए बनाते हैं मलाई पनीर फिंगर्स। अब हम थोड़ा एक जैसे एक थाली में, थोड़ा सा कोई डीप चीज में, हम क्या करेंगे कि हम ये जो सा दूध लिया है वो, और एक कटोरी पानी, मतलब आधा कटोरी दूध के लिए एक कटोरी पानी डालेंगे। और इसमें जो स्लाइसेस हैं, ये देखिए ब्रेड के स्लाइसेस, जो स्लाइसेस थे व्हाइट ब्रेड के, नॉर्मल साइज की ब्रेड थी ऐसे वाली, इस ब्रेड के एजेस निकाल दिए हैं और हर एक को मैंने ऐसे हाफ में काट के ये साइज का तैयार किया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें इसको डिप करेंगे इस पानी और दूध के बैटर में, इसको स्क्वीज करके इसमें जो हमने फिलिंग बनाया है, स्टफिंग जो बनाया है, थोड़ा सा सेंटर में डाल के इसे ऐसे राउंडल करके साइड से हम लोग इनको दबा देंगे और हम ऐसे शेप के बना देंगे, इसको रेडी कर देंगे। ये ऐसे फिंगर शेप का बन जाएगा, रेडी हो जाएगा। जस्ट हमें अभी क्या करना है कि ऐसे अपने स्वाद वो नीड के हिसाब से हम अपने मिक्सचर के बनाते जाएंगे, और इसे हमें थोड़ी देर रेफ्रिजरेट करना है, कम से कम 15 से 20 मिनट, ताकि ये प्रॉपर अपनी शेप लेके फ्राई करना आसान हो जाए इनके लिए। और दूध में एक चीज मैं और बताना चाहूंगी कि मलाई वलाई मत निकालिएगा, अगर है तो उसे बीच में रहने दीजिएगा, ये देखिए। और अब इसको रेफ्रिजरेट करके मैं अभी थोड़ी देर में आपको मिलती हूँ। आइए अब हम बनाते हैं अपने मलाई पनीर फिंगर्स। इसके लिए हमें मीडियम सेक पे तेल को गर्म करना है और फिर इसे सिम कर देना है और धीरे धीरे से अपने फिंगर्स को ऐड अप करना है, वन बाय वन। ये देखिए अपने, मैं आपको फिंगर्स दिखा रही हूँ, ये देखिए। ये स्टेज है कि अगर आप इतना फ्राई करते हैं तो इसको आप फ्रीजर में रख सकते हैं 10 से 15 दिन के लिए, निकाल के नॉर्मल करके फिर से एक बार फ्राई करने से ये आप सर्व कर सकते हैं। मतलब एक ही बारी में नहीं, आप पूरा कम्प्लीटली इसको फ्राई कर लेंगे तो उसी दिन इस्तेमाल कर पाएंगे, नहीं तो हाफ फ्राई करके आप इसको फ्रीजर में रख सकते हैं, फिर जब इस्तेमाल करने हैं बाहर रख के नॉर्मल कर दीजिए टेम्परेचर इसका और फिर फ्राई कर लीजिए। आप एक और चीज़ का ध्यान रखेंगे कि कच्चे में जैसे मैंने डाला, इसको एकदम से नहीं हिलाएंगे, नहीं तो ये टूट जाएंगे। आप इनको थोड़ा सा कोटअप होने के बाद, जब ये हल्की सी बॉडी ले लेते हैं, हल्का सा रंग चेंज होने के बाद आप इसको हिलाएंगे। अगर आप जल्दी हिला देंगे तो ये टूट जाएंगे और बिखर जाएंगे। तो आप दोस्तों इसे आप फेवरेट चटनी, जैसे मैंने यहाँ पे इमली केले और खजूर की चटनी मीठी बनाई है, खट्टी मीठी, साथ में इन फिंगर्स को सर्व किया, या मैं इसे फ्रीजर में रख सकती हूँ हाफ फ्राई करके। और इन जो 10 स्लाइसेस मैंने लिए हैं, इसमें आपके 20 फिंगर्स आराम से तैयार हो जाएंगे। जस्ट मेक इट एंड टेस्ट इट, बिल्कुल मलाईदार। एंड सो प्रेफरेबली वाइट अप ब्रेड लीजिएगा, एंड इट टेस्ट रियली रियली यमी। सो थैंक यू सो मच फॉर मेरे दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगी इसी चटनी की रेसिपी।